हेलो, कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर एक नेक्स्ट वीडियो, सोशल साइंस का मॉडल पेपर है। देखिए, सोशल साइंस मॉडल पेपर है, उनको डेली आप रिवीजन करें। आपने जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद डेली आप इस तरह के मॉडल पेपर को सोल्व करें। अब आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक सिलेबस भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। देखिए, सिलेबस बेसिक डिक्लेयर नहीं हुआ हो, लेकिन जो सिलेबस दे रखा है सोशल साइंस में, उसमें कोई चेंजमेंट होगा नहीं। उसमें होगा थोड़ा बहुत इंक्लूड हो जाएगा, बाकी जो सिलेबस दे रखा है हम उन्हीं सिलेबस में से आपके सामने मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान एकीकरण प्रक्रिया। देखिए, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई थी। तो राजस्थान एकीकरण की जो प्रक्रिया हुई थी, उस प्रक्रिया में बहुत सारे चरण हुए थे। सर्वप्रथम मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, वर्तमान राजस्थान। देखिए, वर्तमान जो राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है, इस वर्तमान राजस्थान का स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो वर्तमान राजस्थान का स्वरूप अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को जो वर्तमान राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है, उसका स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। और राजस्थान की बात करें वर्तमान में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट, पुष्कर स्थित है। पुष्कर स्थित है, देखिए पुष्कर की हम बात करें तो अजमेर में स्थित है। पुष्कर अजमेर में स्थित है, और पुष्कर को धार्मिक नगरी भी कहा जाता है, अर्थात 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर भी पुष्कर के अंदर है। पवित्र पुष्कर झील भी है, 52 घाट भी हैं जहाँ पर स्नान वगैरह किया जाते हैं। 33 करोड़ हिंदू देवताओं के मंदिर भी वहाँ पर हैं। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी पुष्कर के अंदर है। तो आप देख रहे हैं कि पुष्कर का कितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, अजमेर के अंदर है। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। तो राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहलाता है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहलाता है, अलवर कहलाता है। और अलवर की स्थापना की थी राव राजा प्रताप सिंह ने। राव राजा प्रताप ने अलवर की स्थापना की थी, जिसे अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। इंडिका पुस्तक लिखी है। इंडिका पुस्तक को मेगस्थनीज ने लिखा था। इंडिका पुस्तक को मेगस्थनीज ने लिखा था। देखिए, इंडिका पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य, मौर्य प्रशासन, उसके बारे में या उसकी शासन व्यवस्था के बारे में बहुत अधिक जानकारी इस पुस्तक इंडिका से मिलती है। अशोक किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि मौर्य अशोक किस शिलालेख में सर्वप्रथम कलिंग नरसंहार की जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया महत्वपूर्ण युद्ध था, और ये जो कलिंग था, इसका व्यापारिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। और इस युद्ध में जीतने के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने इसके बाद किसी प्रकार का युद्ध नहीं लड़ा, और उसने हिंसा की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया था और अहिंसा को अपना लिया था। और इसके बाद सम्राट अशोक ने अपना जो धर्म था, उस धर्म को भी बदल लिया था, अर्थात उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अहिंसा का पालन करने लग गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो साहब, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। सती प्रथा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। देखिए, सती प्रथा के बारे में सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलते हैं वो एरण अभिलेख से मिलते हैं। किसे मिलते हैं? एरण अभिलेख से सर्वप्रथम ऐतिहासिक रूप से हमें साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था? चीनी यात्री फायान भारत में आया था, काफी सालों तक यहां रहा था, और वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और यहां पर रहकर उसने बौद्ध धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, उनके बारे में गहन रूप से भारत को जाना था। नेक्स्ट, सबसे पहले है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है, इसी वजह से ग्रहण होता है, अर्थात सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। ये जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ये जानकारी देने वाले सर्वप्रथम थे आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट के द्वारा सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट, मथुरा कला शैली व गांधार शैली किससे संबंधित है? अर्थात मथुरा शैली व गांधार शैली का संबंध किससे? मंदिर निर्माण शैली। ये दोनों ही शैलियों के द्वारा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंदर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। मेहरौली का लौह स्तंभ स्थित है। तो मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली के अंदर स्थित है, जो कि कुतुब मीनार के नज़दीक स्थित है। और सबसे अच्छी इसकी विशेषता यह है कि ये इतने वर्षों तक
जैसा इसको बनाया था आज भी वैसा ही खड़ा है, अर्थात इसके ऊपर किसी प्रकार की लगातार इतने सालों के बाद भी इसकी बनावट इसकी संरचना पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेक्स्ट, हर्ष चरित्र की रचना की थी, हर्ष चरित्र की रचना बाण भट्ट ने की थी जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहता था, उसका दरबारी कवि था, उसके द्वारा हर्ष चरित्र की लाइफ स्टोरी अर्थात बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट, बीजक किसके द्वारा लिखा गया, बीजक कबीर के द्वारा, बीजक एक पुस्तक है जो कि कबीर के द्वारा लिखी गई। सिखों के अंतिम गुरु, देखिए सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा की गई थी। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं, उनके अंदर अंतिम जो 10वें गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह अंतिम अर्थात 10वें गुरु हैं ये। और सिख धर्म में अगर धर्म की बात करें तो टोटल 10 गुरु हैं और गुरु गोविंद सिंह अंतिम धर्म गुरु थे। किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, या किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, खानवा का युद्ध हुआ था बाबर व राणा सांगा के बीच में, बाबर व राणा सांगा के बीच में हुआ था 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, देखिए तुलसीदास के द्वारा भगवान राम के ऊपर लिखी गई पुस्तक रामचरितमानस की रचना की गई थी, ये मुख्य रूप से अवधी भाषा के अंदर लिखी गई है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था और ये प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था और 72 डेलीगेट्स ने इसमें भाग लिया था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915, बिहार का गांधी कहलाता है राजेंद्र प्रसाद। और गांधी जी ने किस एकमात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी।